अलीगढ़ में मीनाक्षी फ्लाईओवर शाम होते ही अंधेरे में डूब जाता है। यहाँ पर लगी स्ट्रीट लाइटें काफी समय से बंद है। बंद लाइटों की सुध ना तो नगर निगम ने ली है और ना ही NHAI के अफसरों ने कोई जहमत उठाई है। कई शिकायतों के बाद भी अफसर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को भी परेशानी हो रही है। फ्लाईओवर पर कुछ जगह गहरे गड्ढे भी हैं। अंधेरे में गड्ढों पर नजर ना पड़ने से सड़क हादसे भी होते रहते हैं। मीनाक्षी फ्लाईओवर शहर के बीचों बीच होकर निकलता है। पुराने शहर के पूरे ट्रैफिक का लोड इस पर ही रहता है। यह फ्लाईओवर काफी क्षतिग्रस्त भी हो गया है। जहां अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के तहत तैयार हो रहा है, वहीं रामगढ़ रोड पुल की बात करें तो वो अंधेरे में नहाया हुआ है। कभी भी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। आइए बात करेंगे यहाँ के राहगीरों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल गुप्ता है। निखिल, जिस तरीके से आप देखा जा रहा है कि रामगढ़ रोड पुल की बात करें तो आधा अंधेरे में डूबा हुआ है, किस तरीके से दुर्घटना हो सकती है, क्या क्या कहेंगे? ये है, यहाँ पे लाइट नहीं है, ये काफ़ी दिनों से ये तीनों खंभे हैं, इन पे लाइट नहीं है, पुल पे यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस बने रहते हैं और पहले हुए भी हैं। मेरी तो बस आपसे यही अनुरोध है नगर निगम से कि यहाँ पे लट्ठों को सही कराया जाए, इस पर लाइट लगवाई जाए। आपका क्या नाम है? सौरभ श्रीवास्तव। सौरभ, किस तरीके से आप क्या कहेंगे जिस तरीके से लाइट नहीं? तीनों जो पॉइंट्स है यहाँ पर लाइट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पर डिवाइडर शुरू होता है, एक्सीडेंट होने की संभावना यहाँ पर 90% होती है आउट ऑफ 100, और यहाँ तो लैंप्स ही नहीं, लाइट कहाँ होगी पोल पर? लैंप किस तरीके से आप देखते हैं दुर्घटना? हम तो सिर्फ कंप्लेंट ही करते हैं नगर निगम जाके यहाँ के रहवासी होने के खातिर जी, लेकिन सुनते कहाँ हैं वो लोग, कर देंगे फाइलों में। किस तरीके अपील करेंगे नगर निगम? अपील हम कहाँ कर सकते हैं, आम आदमी अपील कहाँ कर, आग्रह तो कर सकते हैं, आग्रह ही करते हैं बिल्कुल, इसको प्लीज़ ठीक कराएं, क्योंकि हमारे यहाँ आए दिन दुर्घटना होती रहती है इस डिवाइडर और इन लाइट्स ना होने की वजह से। क्या नाम है आपका? बंटी। बंटी, क्या कहेंगे जिस तरीके से लाइट नहीं है ओवर ब्रिज पर? रात को एक्सीडेंट होता है, उस दिन ट्रक पलट गया था, लाइट के चक्कर में ही ट्रक पलट गया था केला का, सुबह के टाइम में लाइट नहीं थी यहाँ पे। नगर निगम से शिकायत किया, नगर निगम वाले सुनते नहीं है। नगर निगम सुनते नहीं है, वो किसी की नहीं सुनते। अब जो रोड बनाते कच्चे बच्चे रोड की भी शिकायतें हैं इनसे, जो डिवाइडर के लिए कंप्लेंट की है वो सुनते ही नहीं है किसी की। किस तरीके डिवाइडर की आप मांग कर रहे हैं? हमारे रोड से चालू हो जाए सामने वाला रोड, जो रामगढ़। कौन सा रोड है? रामगढ़ रोड, हनुमान मूर्ति, पंचमुखी मंदिर, वहाँ से मतलब किस तरीके से होना? वो बीच में रास्ता बन जाए जो गाड़ी वाड़ी पार हो जाए, यहाँ पर पुलिस वाले करने नहीं देते हैं, अगर पुल के नीचे जाम लगता है तो। देखिए, यहाँ के लोगों का कहना है, अपने उनकी और भी सारी समस्याएं हैं, जिस तरीके से बंटी ने बताया कि मुख्य मार्ग खुलना चाहिए जो डिवाइडर बना हुआ है। बात करें ओवर ब्रिज की तो लट्ठे तो हैं लेकिन बिजली नहीं है, जिससे कि पूरा ओवर ब्रिज अंधेरे में नहाया हुआ है। इस खबर के लिए प्रिंस राघव के साथ मैं राजीव राजपूत, DNSP न्यूज़, अलीगढ़।